हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है अहोई अष्टमी और आज के दिन सभी माँ अपने बच्चों के लिए उनकी लंबी आयु के लिए व्रत करती है। तो यहाँ रखा है मैंने भी फास्ट और ये हो रही है मेरी मॉर्निंग और मेरा बेटा सुबह सुबह कर रहा है मम्मा के साथ मस्ती अपना मासूम से चेहरे के साथ। और फिर वो उठ के पिया उसने सबसे पहले नारियल पानी। नारियल पानी इसका इतना फेवरेट है ना कि बस पूछो मत। और फिर यहाँ बोला वो अपनी मम्मा के लिए कुछ। मेरे मम्मा ने मेरे फास्ट रखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए फास्ट रखा। वो मेरे पूरे से मुँह रहेंगे, पानी नहीं पीने का, इसलिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और यहाँ फिर वो ना लिया था तो मैं कर रही थी उसको रेडी। वो इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी मुझे उसको खुद ही तैयार करना पड़ता है, मैं या मम्मी उसको तैयार करते हैं। और यहाँ मैं भी नहा चुकी थी और नहाने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है आप सब जानते ही है, ठाकुर जी को नहलाना। तो हमारे घर में मम्मी या मैं जो भी सबसे पहले नहाता है वो सबसे पहले कान्हा जी को करता है तैयार। और आज मैंने उनको पहनाया ये सुंदर सा ड्रेस क्योंकि आज है अहोई अष्टमी। उसके बाद लगाया उनको मिश्री का भोग और ये देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ मैंने करी पूजा। पूजा करने के बाद अब मैं आ गई अपने छोटे से ड्रेसिंग रूम में और यहाँ मैं हुई थोड़ा सा तैयार। सोचा था साड़ी पहनूंगी और थोड़ा तैयार होंगी, बट आज का जो दिन था ना वो बहुत ही मैं बिज़ी रही, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। कुछ गेस्ट भी हमारे घर पे आने थे और थोड़ा सा काम भी था। तो फिर यहाँ पे मैं कर रही थी तैयारी अपनी अहोई अष्टमी के फास्ट की। ये जो फास्ट है जल्दी खुल जाता है तो हम लोग जो है खाना जल्दी बना लेते हैं। और यहाँ फटाफट से लग रही है मेरी कुकर में सीटी और यहाँ दोनों तरफ बन रहा है खाना। और मैंने चावलों को भिगो दिया है खीर के लिए फटाफट से। और फिर यहाँ बनाया है पुओ का घोल जिसमें है सौंफ, गुड़ और आटा। इसको मैंने ढककर थोड़ी देर के लिए सोख करने के लिए रख दिया है। और यहाँ है मेरे अच्छे से टेस्टी वाले दही बल्ले, देखो कितने स्पॉन्जी हैं। ये सब मैंने करके रख दिया है और खाना रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर मैं पहन रही थी अपनी अहोई माता, जो अहोई होती है चांदी की, इसमें हर साल दो मोती डलते हैं तो मैं यहाँ पर वही मोती डाली थी। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, आप देख सकते हो मेरी माता रानी को। और फिर मैं कर रही थी यहाँ आरती की और कहानी की तैयारी। यहाँ मैंने लगाया कैलेंडर और सबके कलश में बांधा थोड़ा थोड़ा सा कलावा और उसके बाद बनाए सतिए और करी कहानी पढ़ने की तैयारी। और यहाँ बन चुका है मेरा खाना, मेरी बन गई है खीर, सब्जी, पनीर की पूरी, पुए और ये मेरा टेस्टी फेवरेट रायता। अब यहाँ पे मम्मी आ गई थी। मम्मी थोड़ा नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है तो वो स्टूल पर बैठ गई थी और दीदी भी आ चुकी हैं बाहर से। और हम यहाँ पे तीनों बैठ के, हम हमेशा तीनों साथ ही पूजा करते हैं करवा चौथ और अहोई अष्टमी की। करवा चौथ पर इस बार मम्मी थी नहीं, फिर मम्मी को अहोई पे बुला लिया था क्योंकि मम्मी के बिना ना फेस्टिवल थोड़ा सा अजीब लगता है। और यहाँ मेरा बेटा कर रहा था परेशान, उसको चाहिए था फ़ोन तो मैं उसको मना कर रही थी। और यहाँ मम्मी ने लगाया हम दोनों के तिलक और हम लोग करने लगे कहानी को स्टार्ट। और यहाँ मैं डांट रही थी अपने बेटे को क्योंकि वो बहुत ही परेशान कर रहा था। तो यहाँ हो गई है हमारी कहानी की पूरी तैयारी। मैं जला रही थी धूप बत्ती और मम्मी यहाँ पे चिराग वगैरह जला रहे थे। हम लोगों ने करी पूजा की पूरी पूरी तैयारी। और हम लोग का जो कहानी सुनते हैं ना वो चावल और धूप को हाथ में लेके सुनते हैं और फिर उसको अपने आंचल में बांधकर और फिर अपनी तिजोरी में रखते हैं। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी कहानी। गाइस जो कैलेंडर में कहानी थी ना वो कहानी नहीं विधि थी, तो मैं मम्मी से कहने लगी कि ये विधि है। मैंने मम्मी को बताया तो फिर उसके बाद मम्मी ने फ़ोन में कहानी चलाई और हम लोगों ने सबने कहानी सुनी। यहाँ हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती करी, पूजा को समाप्त किया और फिर मैंने लिया दीदी का और मम्मी का आशीर्वाद। और यहाँ हो गई है हमारे बाहने की तैयारी। गाइस हमारे यहाँ सुहागन औरतें जब भी कोई व्रत रखती हैं तो निकालती हैं बाहना। और यहाँ देखो दोनों बच्चे मेरे कर रहे हैं मस्ती आपस में। और अब यहाँ चल रही है पूरा वर्षा की तैयारियाँ, सब अपने अपने कपड़ों के साथ तैयार हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, जो बच्चों से बहुत ही एक्साइटेड होते हैं उनको तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। जो माएँ होती हैं वो पूड़े फेंकती हैं और जो उनके बच्चे होते हैं वो उसको कैच करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मम्मी फेंकती है, हम सब लोग कैच करते हैं और मैं फेंकती हूँ तो मेरे बच्चे कैच करते हैं। तो यहाँ पर वही प्रोसेस हम लोग चल रहा था।
तो हम लोग हो गए थे रेडी और हम फटाफट यहाँ देखिए फेंक रहे हैं। मुझे बहुत ही मज़ा आता है इसमें और बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करते हैं, तो हम यहाँ फटाफट से फेंक रहे थे, जिसको नहीं मिला था उसको दे भी रहे थे, और यहाँ फटाफट जिसको कम मिल रहे थे वही आपस में लड़ रहे थे। और यहाँ आ गए हैं मेरे पति देव, तो मम्मी उन्हीं को बुला रही थी, तो यहाँ अब है मेरे पति देव की बारी, मम्मी पूरा वर्षा करेंगी और अपने बेटे के लिए। तो यहाँ वो लोग वो आके रेडी हो गए, मम्मी अपने बेटे को पूरा फेंक रही थी और मैं अपने बच्चों को। तो यहाँ करी हमने बहुत सारी मस्ती मज़ा, और उसके बाद मैंने लिए हस्बैंड से पूजा के लिए पैसे, उसके बाद हमने करी पूजा और फिर निकल गए थे तारे। तो यहाँ मैं जा रही हूँ तारों को जल देने, मैंने तारों को जल दिया और फिर भगवान जी से अपने बच्चों की लंबी उम्र और कामयाबी की मनोकामना करी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को यहाँ खड़ा किया, वरना पूरे दिन बच्चों का पता ही नहीं लगता। यहाँ मैंने उसको किया थोड़ा सा प्यार और उसने मेरे पैर छूकर लिया आशीर्वाद, फिर मैंने उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और यहाँ है दीदी का बेटा, ये भी मेरा आशीर्वाद ले रहा है, तो मैंने इसको भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और फिर मम्मी और दीदी चले अपने बहना लेके, तो जो हमारे यहाँ बहना होता है ना, वो तो अपने ससुराल में किसी भी बड़े को देना होता है, सास ससुर नंद किसी को भी दे सकते हो, तो यहाँ वही मम्मी देने जा रही हैं, दीदी और मम्मी। थोड़ा सा हमने उनको भी शूट किया और अब आ गए हैं मेरे पति देव, तो वो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे थोड़ा सा शूट, तो उन्होंने बेटे को भी बुला लिया और एक पिक्चर में हम लोग आए, थोड़ा सा शूट किया और फिर बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो हम चले खाना खाने। अब ये आ गया है मेरा डिनर, ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्जी है आलू मटर टमाटर और पनीर की, मैंने फटाफट बनाई और खाया। तो यहाँ मुझे लग रही थी ज़ोरों की भूख और मैं खा रही थी खाना पूरी सब्जी रायता। गाइज मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, मैं आगे भी ब्लॉगिंग करती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।